अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त भाई सब ठीक होंगे। मेरे तरफ से तमाम दोस्तों को, भाइयों को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। मेरे एक छोटा सा पैगाम में छोटा सा मैसेज है कि बराए मेहरबानी वो लोग जो आज इस ईद की खुशियों में हमारे खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, गरीब हैं, तो बराए मेहरबानी उनके साथ उनकी भी मदद करें ताकि उनके घर में भी चूल्हा जल सके। आज कुछ हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके घर में जो रात को 2 किलो गोश्त लेकर आ गए होंगे, को 3 किलो को, 4 किलो को, 5 किलो को अभी लेकर आ रहा होगा। हजरत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में आज भी चूल्हा नहीं जला। तो बराए मेहरबानी ईद की खुशियों का मतलब यही है कि हम खुश हों और हम इसकी खुशियों को मज़ीद दुबाला करें ताकि हमारे वो भाई, वो साथी, वो रिश्तेदार जो गरीब है और वो इतनी ताकत नहीं रखते कि वो भी कुछ गोश्त वगैरह या अच्छी सब्ज़ी खरीद सकें, तो इस महंगाई के दौर में बराए मेहरबानी उनका भी साथ दें ताकि वो भी हमारी खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सके। बहुत मेहरबानी, वस्सलाम।